Hello everyone, welcome to our channel Bio by Nima. In this channel, now we are starting a new series. जैसे कि हमें पता है कि NTSC आ रहा है in the second week of January 2022. Okay, so हम लोग ने ये सीरीज स्टार्ट किए. We have started this series कि हम लोग different different states के questions लाएंगे on the different different topic. So today we are going to solve the PYQs of cell chapter. PYQs of the cell chapter. So please get subscription of this channel and tell your friends also so that you can have the more benefit from this channel. So hum time nahi waste karte and we will start the class session. So first question is, in a living cell the fluid present inside the nucleus called as, hai na? To aapne fatafat se ek cell ka diagram banaya. This is your cell and they are asking you ki जो ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म तो किसको बोला जाता है, ये आउटर वाले को. प्रोटोप्लाज्म किसको बोला जाता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को. एंडोप्लाज्म आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्लाज्म को, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. सो आंसर इज डी. हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो थ्री ऑप्शन हमने नहीं चूज किए हैं वो हमने क्यों नहीं चूज किए हैं. दैट्स व्हाई दिस मेक्स यू मोर परफेक्ट इन सॉल्विंग दी एमसीक्यू. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एक्ट एज अ एजिंग क्लॉक. तो ये सेल डिवीजन का टॉपिक है और जो सेल चैप्टर है जिनका जिनके यहाँ पे एनसीईआरटी चलती है उसमें ये नहीं गिवन है. बट जब हम बात करते हैं स्टेज वन की, एनटीएससी स्टेज वन की, सो हमको वी हैव टू टेक केयर अबाउट दी स्टेट बुक्स आल्सो. स्टेट बोर्ड बुक्स से क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए हमें उसके बारे में हमेशा, जब भी आप स्टेज वन के लिए प्रिपेयर करें, वी शुड ऑलवेज डू कॉन्सेंट्रेशन. हमें उनके बारे में भी, उनके चैप्टर्स भी हमको देखने, रीड कर. सो विच एक्ट एज अ एजिंग क्लॉक. सो एजिंग क्लॉक इज योर टेलोमेयर, दिस वन. ओके, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है टेलोमेयर का जो लेंथ है वो कम होता जाता है ना. सो आंसर इज टेलोमेयर. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. सेंट्रोमेयर क्या होता है, ये बीच वाला पार्ट. ठीक है, मेटामेयर, एक्रोमेयर, ये टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स के. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, है ना. तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये क्या होते हैं आपके, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जिसमें कि बिना एनर्जी के चीजें मूव करती है फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसको कि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, वहां से चीजें मूव करती है कहां पे, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये जैसे कि आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, है ना, जिसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये आपका रेजिन रहा ना किशमिश, है ना. तो यहां से ये क्या हो रहा है, पानी मूव कर रहा है. करते होंगे ना घर पे, एक कटोरी में आप यू जस्ट प्लेस योर, पानी रखा, उसमें आपने किशमिश डाला, थोड़ी देर बाद देखा आपकी किशमिश स्वेल हो गई है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर ऑस्मोसिस. सो वाटर फ्रॉम अ हाइपोटोनिक टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सेल इज हैविंग द टू बाउंड्रीज, द आउटर बीइंग सेल वॉल एंड इनर बीइंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, ये बात कर रहे हैं प्लांट सेल की. ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल. हाँ, तो हम जब सेल वॉल लिखते हैं, दिस इज द सेल वॉल एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो. तो सेल वॉल की क्या प्रॉपर्टी होती है, परमीएबल, है ना, और सेल मेम्ब्रेन की सेमी परमीएबल. सो क्विक से हम ऑप्शन देखते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. यदि उनको और कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो वो ऐसे भी कर सकते थे, फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, है ना, पर उन्होंने थोड़ा सिंपल रख दिया आउटसाइड टू इनसाइड. तो आप क्विक से ऑप्शन देखिए, दिस इज परमीएबल एंड सेमी परमीएबल. ठीक है, हाँ, सो आंसर इज सेमी परमीएबल, क्योंकि सी वाला ऑप्शन. ये वाले ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएंगे, इस वाले क्वेश्चन ऑप्शन में दोनों को परमिएबल परमिएबल दे रखा है. ठीक है, सो वी कांट क्लिक दिस. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, सो अ पुअरली डेवलप्ड जोन इन द सेंटर ऑफ अ सेल दैट हैज डीएनए मॉलिक्यूल. देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुअरली डेवलप्ड बोला है. तो पुअरली डेवलप्ड से पता है आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, ये बात कर रहे हैं आपसे प्रोकैरियोट्स. ये किससे बात कर रहे हैं आपके, प्रोकैरियोट्स की. ठीक है,
तो आप क्विक से ऑप्शन देखिए, न्यूक्लियोलस होता है प्रोकैरियोट्स में, नहीं न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, ये हो, ये हम रखते हैं न्यूक्लियस, ना न्यूक्लियस तो है ही नहीं वहां पे, और ये यूकैरियोट की बात। तो आंसर क्या है हमारा? बी। आंसर क्या है हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म एंड द एंड ऑफ द मियोसिस, ये है सेल डिवीजन का। दे आर टॉकिंग अबाउट यू टू द मियोसिस, है ना, मियोसिस की बात कर रहे हैं। तो मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है ना, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है बच्चा? ये आपका 2n सेल है, मतलब कि आपकी डिप्लॉइड सेल है ना। तो मियोसिस कंप्लीट होता है दो साइकिल्स में, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो मियोसिस टू के बाद आपके पास क्या रह जाता है बच्चा? फोर हैप्लॉइड सेल्स, 1 2 3 4। तो वेयर यू आर गोइंग टू सी द ऑप्शन? हियर। ओके, सो आंसर इज सी, फोर हैप्लॉइड सेल्स। ओके, यस। तो आपको इस चैनल पे नाउ ऑनवर्ड्स यू विल गेट दी डेली डेली आपको एक या दो वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि हम PYQs करेंगे NTSC स्टेज 1 के, और हम लोग लाइव क्लासेस भी रख सकते हैं, है ना। आपको मैसेज में लिखना होगा कि मैम आई वॉन्ट लाइव मेंटी क्विज ऑल्सो, सो आई कैन अरेंज दैट ऑल्सो। Which of the following is known as the energy currency of cell in biology? I think 6th grade से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, है ना? क्या आंसर होता है? DDT? No, ATP. Adenosine triphosphate. कहाँ बनता है ये? Mitochondria के अंदर बनता है, ठीक है? This is the answer. ATP. Okay, next question. Lipid molecule in the cell are synthesized by? ठीक है, ये cell organelles का question है, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है आपका प्रोटीन RER, और लिपिड बनाता है आपका SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो देखिए मैम ने आपकी हेल्प कर दी स्टार्टिंग से ही। तो SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय योर SCR। RER कैसे हो जाता है? रफ क्यों होता है? क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स होते हैं। अब यदि जिसके पास भी राइबोसोम होगा, राइबोसोम क्या काम करता है बच्चा? प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? प्रोटीन बनाने का। सो आंसर इज SCR। प्लास्टिड आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है, प्लांट्स में बनाता है, हमारे अंदर तो ये होता ही नहीं है। गॉल्जी एपरेटस क्या करता है? जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है उसका मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। चलिए, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस। द प्लांट सेल्स बिकम टर्जिड, टर्जिड मतलब कि स्वेल अप, है ना, वो एकदम से ज्यादा एंडोऑस्मोसिस। हाँ, टर्जिड कब बनती है? जब प्लांट सेल, ये देखो आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपका एक प्लांट सेल डाला, ठीक है, तो पानी एंडोऑस्मोसिस के थ्रू अंदर जाता गया जाता गया, दैट सेल बिकम टर्जिड। टर्जिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेल वॉल उसको बर्स्ट नहीं होने देती है, है ना। सेल वॉल क्या नहीं होने देती है? उनको बर्स्ट नहीं होने देती है, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द एंडोऑस्मोसिस। प्लाज्मोलाइसिस तो क्या होता है? श्रिंकेज, है ना, वो एक्सोऑस्मोसिस के कारण होता है। सो दिस इज द आंसर, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। DNA, हाँ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। DNA इज नॉट प्रेजेंट इन, वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, एंड आई बिलीव कि आप लोगों को, आप यदि प्रैक्टिस करते रह रहे हैं तो आपको ये पता होगा। हमें पता है क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है बच्चा? DNA। नहीं पता है तो वी विल हेल्प यू। DNA है ना सर, हाँ। न्यूक्लियस के पास तो DNA होता ही है, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना DNA होता है, इसीलिए तो हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो इन तीनों के पास जेनेटिक मटेरियल है, किसके पास नहीं है? राइबोसोम, हाँ। और राइबोसोम क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, है ना, उनके पास मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, इसीलिए राइबोसोम आपको कहाँ मिलेगा? प्रोकैरियोट में मिलेगा और यूकैरियोट में मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी हमारी किसने दी थी? शिल्डन एंड श्वान ने, और उसको एक्सटेंड किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने। मैम क्यों एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही? हो सकता है इससे किसी नेक्स्ट, अभी हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी का? सेल थ्योरी क्या बोलती है? ऑल लिविंग बॉडी, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोट्स, दे ऑल आर मेड अप ऑफ अ सेल, ठीक है। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, ठीक है, तो वो किससे बना हुआ होता है? एक सेल से। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। तो इसी के कारण सेल थ्योरी ने कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं कर पाई, इसीलिए उसको बोला जाता है एक्सेप्शन टू द
cell theory, exception to the cell theory. Virus is exception to the cell theory. Okay, चलिए next question. Okay, fungal cell wall is made up of. ठीक है, हमें cell wall ना bacteria की, fungi की, plants की, है ना, इन सब की हमें cell wall की composition पता होने चाहिए. ठीक है, तो आपसे पूछा गया है फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है. ठीक है, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं. अमीनो एसिड बेसिकली आपको सेल मेम्ब्रेन में दिखेंगे. ठीक है, और प्रोटीन भी. पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया. प्लांट सेल वॉल आपको पता होगा सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, है ना. और फंगल सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई. किसकी बनी होती है, काइटिन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोजोम. केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, बेसिकली डीएनए, है ना, एंड हिस्टोन प्रोटीन. क्या होता है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, सो हम क्विक देखते हैं. डीएनए एंड लिपिड्स, नो. डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट्स, नो. प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, नो. डीएनए एंड प्रोटीन. They have not given the name of the protein, but I am telling you, histone protein. Okay, चलिए next question. Yes, another, ये cell division का है. आप लोग मुझे chat box में बताते जाएंगे कौन कौन से topic आपको live पढ़ने हैं, so I can help कि मैं classes वैसे arrange कर सकूं. Till your NTSC stage 1. DNA replication occurs in, कहाँ होता है, G phase, S phase, G2 phase and M phase. तो basically ये जो cell cycle है ना, ऐसे G1, S, G2 and M. तो replication, copying of DNA हमेशा कहाँ होती है, S phase में. DNA का replication, histone का replication, centriol का replication, है ना, सब कहाँ होता है आपके, S phase में होता है. कहाँ होता है बच्चा, S phase के अंदर. Next question. Cristae is associated. देखो दो टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्रिस्टेई और सिस्टर्नेई. करेक्ट है ना, मुझे पता है. तो सिस्टर्नेई तो आपको कहां मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्जी में. ठीक है, क्रिस्टेई आपको कहां मिलेगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. ये जो आपको इन्वेजिनेशन दिखता है ना, ये किसका है बच्चा, इस इन्वेजिनेशन को क्या बोला जाता है, क्रिस्टेई. ठीक है, क्या बोला जाता है, क्रिस्टेई. ठीक है, सो द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. लिपोप्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन से कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है आपकी सेल के अंदर, है ना, लिपोप्रोटीन. तो हम क्विक देखें, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड बाय लेयर इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, है ना, लिपिड, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली है सेल मेम्ब्रेन. हाँ, सेल मेम्ब्रेन. लिपोप्रोटीन का कौन बना हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये थोड़ा आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. बाय यूजिंग वन ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एमआरएनए इज प्रोड्यूस. सो बेसिकली एक प्रोसेस होता है सेंट्रल डॉग्मा, है ना. सेंट्रल डॉग्मा मतलब कि आपकी पूरी बॉडी का एक मेन जो प्रोसेस है ना. तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है. ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन. आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन. ठीक है, सो एक और आपने बहुत सुना होगा आरटीपीसीआर, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो आरएनए से यदि हम डीएनए बनाते हैं तो उसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. आपको कोई सा भी टॉपिक पढ़ना हो, है ना, सो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन. तो यहाँ पे पूछा गया है डीएनए से आरएनए बनना है, तो वो किस प्रोसेस से बनेगा, द ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द फेज इन माइटोसिस शोन बाय सेंट्रोमियर स्प्लिट. अगेन सेल डिविजन का क्वेश्चन है. देयर बाय सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोजोम सेपरेट्स एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो बेसिकली आप लोग प्लीज अपने मतलब मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा यदि जिसको भी सेल डिविजन ये सब पढ़ना है. सो द आंसर इज एनाफेज. आंसर इज एनाफेज. ओके, यस,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मियोसिस. ओके, मियोसिस वन का प्रोफेज वन. ओके, मियोसिस वन का प्रोफेज वन. फाइन. सो उसमें क्या होता है, जो प्रोफेज वन होता है वो फाइव फेजेस में डिवाइड होता है, एंड हम उसको बोलते हैं लेजी, सॉरी, पांडास, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ओके, तो लेजी पांडास आपको कहाँ दिख रहे हैं, एल जी पी आर, सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम्स आर कंसीडर्ड एज अ सुसाइडल बैग ऑफ सेल, है ना. लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, जब कभी भी हमारी सेल को नीड होती है दे बर्स्ट एंड दे रिलीज देयर केमिकल सो दैट कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, है ना. तो लाइसोसोम के पास क्या होते हैं बच्चा, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं. तो लाइसोसोम्स कंटेन द लाइटिक एंजाइम टू डाइजेस्ट द होल सेल कंटेंट. ओके, यस, सो आंसर इज बी. हम ए ऑप्शन देखें, पॉइजन नहीं होता, लाइटिक हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं. नो, दे डोंट हैव जीन्स, दे डोंट हैव डीएनए, डू नॉट परमिट ऑक्सीडेशन. नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दे हैव द लाइटिक एंजाइम. सो आंसर इज बी. Which of the following is semi-autonomous organelle with genetic material of its own? है ना, दो organelle मैंने आपको बताए थे जिनके पास खुद का genetic material होता है, mitochondria and chloroplast. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, semi-autonomous organelle. So nucleus तो खुद autonomous है, है ना. Vacuole के पास DNA नहीं होता, Golgi के पास DNA नहीं होता, किसके पास होता है, chloroplast and mitochondria. और हमारे पास option में क्या given है, chloroplast. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नॉन मेम्ब्रेनस. मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था एक क्वेश्चन में कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली क्या है जो कि प्रोटीन बनाता है ना. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन माउंड है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स सिंगल मेम्ब्रेन माउंड है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन माउंड है. कौन है, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स इज अ नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली विच प्रोड्यूस प्रोटीन्स. Okay, it's also a very good question. Eukaryotic organisms have different level of organization. Select the combination where the levels are arranged in the descending order. मतलब बड़े से छोटे में, है ना. तो जैसे कि आप इमेजिन करो ह्यूमन बींग, है ना, उनके पास ऑर्गन सिस्टम है, फिर ऑर्गन है, ऑर्गन टिश्यू से बना है, टिश्यू सेल से बना है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, ऐसे है ना. तो we can see the option DNA, chromosome, cell, nucleus, tissue. Cell बाद में है, बीच में है, nucleus no, tissue, cell, nucleus, chromosomes, DNA. This is our option, है ना. tissue, tissue किससे बन के बना है, cell से. cell के अंदर क्या है, nucleus है. sorry, nucleus के अंदर क्या है, chromosome. और chromosome किससे बना हुआ था, DNA and the protein. यहाँ पे देख ली, न्यूक्लियस पहले है, फिर सेल है, फिर टिश्यू है, सेल है, क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस लास्ट में. ठीक है, विच इज द प्रोकैरियोटिक सेल अमंग द फॉलोइंग. इसमें से प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है, अमीबा हमारा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, प्रोटिस्टा. ईस्ट हमारा फंजा है, वॉल्वॉक्स हमारी क्या है, थैलोफाइटा, प्लांटे है. तो हमारा प्रोकैरियोट क्या है बच्चा, बैक्टीरिया. ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल. प्रोटीन कहाँ बनता है हमारे सेल में, कौन सा ऑर्गेनली बनाता है, अभी मैंने आई थिंक मल्टीपल टाइम आपको वो बताया था, है ना. सो दैट इज योर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. नो, राइबोसोम, दैट्स योर राइबोसोम. ठीक है, यस, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, द ग्रेना एंड स्ट्रोमा आर पार्ट्स ऑफ दिस सेल ऑर्गेनली. माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, क्रिस्टे होता है. राइबोसोम्स के पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के पास सिस्टर नहीं होती है. सो द आंसर इज ग्रेना एंड स्ट्रोमा फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, है ना. किसमें मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, ऐसे. द फ्लूइड पार्ट इज योर स्ट्रोमा एंड जो ये जो आपको दिख रहे हैं थैलेकॉइड होता है, थैलेकॉइड के स्टैक को, हाँ, को क्या बोला जाता है, ग्रेना. आई थिंक दिस क्वेश्चन इज चूज वन ऑफ द फॉलोइंग. देखो इन क्वेश्चन को देख के ना प्लीज डरिएगा मत, क्योंकि ये थोड़े बड़े दिखते हैं पर ये बहुत सिंपल है. इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करो. तो पहले अपने दिमाग में आना चाहिए ऑस्मोसिस क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. और उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन, है ना.
तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ कंसंट्रेटेड, नहीं कंसंट्रेटेड से नहीं होता, डाइल्यूट से होता है. द पैसेज ऑफ सोल्यूट फ्रॉम वीक सोल्यूशन टू स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन थ्रू सेलेक्टिवली वीक और स्ट्रॉन्ग केमिकल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं. पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट. लो सॉल्यूट है तो क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, हाई सोल्यूट सोल्यूशन की तरफ, मतलब कंसंट्रेटेड की तरफ जाता है. सो आंसर इज सी. देखो डी ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट है, क्योंकि एनर्जी इंटरमीडिएट तो बिल्कुल नहीं होता, एनर्जी डिपेंडेंट ये बिल्कुल नहीं होता. यस, द लास्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम. सो कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब क्या होता है बच्चा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवीजन. साइटोप्लाज्म डिवीजन. मियोसिस किस में होता है, मियोसिस सेल्स में. सेल प्लेट कहाँ बनती है आपकी, प्लांट सेल में, ठीक है. सो वी विल सी कैरियोकाइनेसिस इज लाइक योर न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोकाइनेसिस इज योर साइटोप्लाज्म, मियोसिस मियोसाइट सेल में. ओके फाइन, सो वी कैन सी ए थ्री बी, मतलब ए के ऑप्शन से हो रहा है, ए थ्री बी फोर सी वन एंड डी. तो आंसर इज सी, ठीक है. सो हम आपके लिए डेली पीवाईक्यूज लाएंगे एनटीएससी स्टेज वन के, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, ऑन द टॉपिक वाइज, है ना. आप अपने जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो या हम लाइव क्विजेस भी रख सकते हैं, ठीक है. सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल बायो बाय निमा, ठीक है. और फ्रेंड्स को बताइए, अब ये सीरीज टिल योर स्टेज वन कंटिन्यू रहेगी और हम केवीपीवाई के लिए भी क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच. प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट.